Hey fam, welcome back to the 10th star. So we are back again with another video. And जब हमने कल Anand 007 का roast करा तो हमने triggered इंसान की video करी, but सबके comments आ रहे थे भाई थकेश का देखो जो video actor में scene हुआ जिसका था वो video original video देखो. तो अब हम लेके आए हैं ये वाली video थकेश की the ultimate छपरी Anand 007 roast. मजा आने वाला है and मुझे थकेश की video अच्छी अच्छी लगती हैं. अच्छा roast होगा एक हैं. ये भी चिल गया था. So, पहली बात जो मेरी ऑडियंस है उनको पता है कि मेरे रोस्ट काफी चिल होते हैं, काफी नॉन ऑफेंसिव होते हैं. ये वाला ऑफेंसिव होगा. क्यों? बैक स्टोरी बताता हूँ. तो मैंने अपने पिछले वीडियो में अदनान शेख के इस वीडियो पे रिएक्ट किया था. बदनी रहा है ये पहले एंगल में यहाँ पे चश्मा रखा है, जब ये दूसरी तरफ मुड़ा चश्मा गायब हो गया. इससे पहले भी एक वीडियो है करने लगा तो कुछ अलग ही चश्मा आ गया. ये कोई मेन ओरिजिन है जिसपे अदनान ऑफेंड हो गया. कोई बात नहीं, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा. उस लड़के को बेइज्जती और रोस्ट की इतनी आदत हो गई है और इस वीडियो में मैंने उसके बजाय उसके चश्मे का मजाक उड़ाया था. डोंट वरी भाई, इस वीडियो में कमी पूरी करूंगा. अब अदनान तूने खुद ही कैप्शन में लिखा था इस वीडियो में क्या गलत है बताओ, और मैंने तो अभी तक तेरी एक्टिंग के बारे में बताया भी नहीं था. जिस वीडियो को मैं खुद एक रोस्ट नहीं मानता तू उससे ऑफेंड हो गया. तुझे ऑफेंड होना और ऑफेंड करना बहुत पसंद है तो आज का वीडियो तेरे लिए. काफी सारी स्टोरीज में मेंशन करके मुझे हैशटैग केश बुला रहा था. ये आज के वीडियो में मैं तेरे लिए वही हूँ. फ्लैशबैक में जाते हैं, मैंने अदनान पे 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जब इन्होंने बहुत सारे कांड किए थे. अदनान ना बहुत टेढ़ा है, वो बहुत एड़ा आया. तो मैंने बोला चलो सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग. छोटा मोटा गेम नहीं करने का. कैरी की वीडियो और लक्ष्य की वीडियो दोनों उड़ गई है, अभी और काम चालू. कशला ही करता है. तब मुझे इसका कॉल नहीं आया था, बट एक रिएक्शन के लिए मेरे को इसका फॉरेन किया बिकॉज़ तब टिकटॉक था और तब ये रिलेवेंट था. अब मछली पानी के बाहर आ गई है तो फड़फड़ाएगी ना. को नंबर दिया 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था और अभी मैं कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदली है, जैसे मेरा शर्ट और अदनान की बुद्धि. एनीवेज मैं केरला में था एंड मुझे इसका कॉल आया एंड ये मुझे माँ बहन की गालियाँ देने लगा, मारपीट की धमकी देने लगा. केरला में अगर फ्लड्स के बाद कोई घटिया एंड भैया चीज आई है ना तो वो है अदनान शेख का कॉल. छोटा मोटा गेम नहीं करने का. अदनान ने मुझे रात को 2:30 बजे कॉल किया जब मैं सो रहा था एंड ही वॉज लाइक हेलो मैं अदनान शेख बोल रहा है एंड आई वॉज लाइक सॉरी भाई मेरी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है. तूने इस वीडियो में बोला था कि तू पहले सिम कार्ड बेचता था. बोले हाँ. फिर कैलकुलेट किया, मिला दिन का 200, टाइमिंग क्या लगेगा, कैसा टारगेट पूरा करूंगा. तो वो बताया कि 250 से 300 सिम कार्ड पर मंथ बेचना है मिनिमम, और उससे ऊपर बेचे तो इंसेंटिव मिलेगा. सेम पिंच ब्रो, मैं भी बेचता था लेकिन फर्क ये रह गया कि तेरी कॉल करके परेशान करने की आदत अभी तक गई नहीं. छोटा मोटा गेम नहीं करने का. नहीं तो फर्क है तुम में और हम में. हमें देख के लोग हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें देख के लोग हाथ उठाते. I'm sure आज भी तेरे से कोई आइडिया मांगता होगा तो तू सिम कार्ड ही देता होगा. एंड अदनान ने कॉल करके मुझे और बहुत सारे लोगों को हिजड़ा बोला था. यस ये वाला टर्म यूज किया था. बट एक मिनट, तुम बाप भी नहीं बन पाओगे. तुम हिजड़े लोग की तरह लाइव पे आके सब मत करो. जो सबको टारगेट कर रहे हैं और छक्के बोल रहे हैं. हिजड़े लोग की तरह इतना दुबला है तू, इतना फेक है तू, इतने फेक तेरे फॉलोअर्स भी नहीं है. एंड मैं देख रहा हूँ तूने अभी यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया है, काफी कंसिस्टेंट है, गुड थिंग. बट काश तेरा सोशल ब्लेड भी इतना कंसिस्टेंट होता. एक दिन तेरे 20,000 फॉलोवर्स आ रहे तो दूसरे दिन तेरे 10,000 फॉलोवर्स गिर रहे. मुझे इसका तो फेक है. इससे प्रूव होता है असली बॉट आर्मी तन्मय भट्ट के पास नहीं, तेरे पास. अरे भाई 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 भाई. ईमान की बात बहुत करते हैं अपने इंटरव्यूज में. 2 साल पहले तो इतना कैरी कर रहा था. कैरी की वीडियो दोनों उड़ गई है, अभी और काम चालू. जब 2 पैसे कमाने की बात आई तो कैरी वाली मूवी भी प्रमोट कर दी. आप तो गलत मूवी फॉलो करते हो. ठीक है मैं ब्लेम नहीं करूंगा, 4th हैंड रेंज रोवर की EMI भी तो भरनी है. फिर अदनान ने इंस्टाग्राम पे जवाब भी दिया. बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाए गाल आगे करने का. भाई इसने तो चिपका दिया. जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा. मतलब सही है, इनको जवाब भी देना होता है तो ये खुद के मुंह से खुद के डायलॉग से नहीं देते, ये कंट्रोवर्सी भी दूसरों की लिपसिंग करके करते. ये
अगर आपको भी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको चुल्लू भर पानी डूब मरने के लिए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये, हम देंगे आपको चुल्लू भर पानी। बजाओ वीडियो में आगे जाने से पहले, तुमको तो पता ही होगा गर्मी में पिंपल्स एंड एक्ने कितने होते हैं, कि हमारी स्किन सीबम को ओवर प्रोड्यूस करती है। स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, वो स्किन को सॉफ्ट एंड मॉइस्ट भी रखता है, बट टू मच सीबम से स्किन के पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, जिससे अगेन एक्ने एंड पिंपल ब्रेकआउट हो सकता है। तो प्रेजेंट कर रही हूं डर्मा कंपनी का सैलिसिलिक एसिड रेंज, 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश एंड 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। एंड सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, आपके जो एनलार्ज पोर्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं और एक्ने ब्रेकआउट होते हैं, उसको टारगेट करता है, एंड जो पोर्स क्लॉग होते हैं को प्रिवेंट करता है, जिससे आपके एक्ने एंड पिंपल्स नहीं होते हैं, क्लियर स्किन रहती है। इस फेस वॉश को आप नॉर्मल फेस वॉशेस से रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है। सीरम के 2-3 ड्रॉप्स लेके नेक और फेस पे मसाज कर दो, दिन में या रात में कभी भी यूज कर सकते हो। सीरम के ऊपर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगा दो ये प्रोडक्ट्स यूज करते टाइम, ऑल्सो पैच टेस्ट करना ये प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले। एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डर्मा कंपनी, डर्मा कंपनी लिंक करता है आपके ऑर्डर को एक चाइल्ड से, एंड वो हेल्प करेगा उन्हें एजुकेट करने में अलॉन्ग विद भूमि। इन्होंने प्लेज किया हेल्प करने का 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया। तो यू कैन परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डर्मा कंपनी वेबसाइट, यूज माय कूपन कोड थगेश2022 इनके वेबसाइट पे, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड एप्लीकेबल है सिर्फ इनके वेबसाइट पे। एंड डर्मा कंपनी प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल Amazon, Flipkart एंड Nykaa पे, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ क्लियर स्किन के लिए। फिर इतना सब होने के बाद अदनान ने एक दो स्टोरीज डिलीट की एंड ये स्टोरी डाली कि बापूजी बिजी है, अपने दूसरे बाप को रिप्लाई करूं। बट बापूजी रात को 2:30 बजे कॉल करते टाइम तो बिजी नहीं थे, सही है, जब गाली देने का टाइम था तब खुद ने दे दी, जब गाली खाने का टाइम आया तो भाई को आगे कर दिया। तो एक भाई ने मुझे कॉल किया और एक भाई ने सीधा देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर डिस्ट्रैक्ट बना दिया। ये गंदे नियम भाइयों बहनों, ये बोले भी हम, दोनों भाई को आदत है ऐसी चीजों को छेड़ना जो उनकी लीग से बाहर है। अदनान ने मुझे कॉल पे ऐसी बहुत सारी बातें बोली जो अगर मैं कॉल रिकॉर्डिंग डाल दूं तो ये खत्म ही हो जाए, डाल देता, बट कॉल रिकॉर्डिंग लीक करना इलीगल है एंड इलीगल काम टीम 07 का डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं। लीगल काम से याद आया, अदनान को एक बार मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था बिकॉज उसने अनलाइसेंस तलवार से केक्स काटे थे। भाई चाकू ले लेता छोटा, ऐसे बड़ी चीजें और मैटर हाथ में क्यों लेता है। आई एम श्योर ये जब पैदा हुआ था ना, डॉक्टर ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं अपोलॉजी लेटर दिया होगा। सॉरी अदनान, मुझे बार बार फोन पे बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर रहा था यार, एक बार फैजो होता ना तो भी मैं कर लेता, तू तो इरेलेवेंट है। बात तो सही है। पहले अदनान को मिलियंस में लाइक्स आते थे, व्यूज आते थे, अभी तो सिर्फ 50,000-60,000 रह गए। तो क्या है, मोबाइल कंपनीज ने अपने रेट्स बढ़ा दिए ना, तो इसके आधी ऑडियंस तो उधर ही ऑफलाइन हो गई। एंड इस बंदे को नामर्द शब्द बहुत पसंद है, यस ये कॉल पे बहुत बार बोल रहा था, ये स्टोरीज पे भी यही चीज बोल रहा था, मतलब जो बंदा सिर्फ 30 सेकेंड्स वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर इसकी ऑडियंस को लिखने आता तो इसके फोटो पे लिख देती ना, इमोजीज कमेंट नहीं करती। एनीवेज जब ये हुआ होगा तब पूछा होगा लड़का हुई है लड़की, डॉक्टर ने बोला होगा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और उस दिन से वो वही चीज कैरी कर रहा है। जनरली मैं इतने गुस्से में नहीं होता हूँ, लेकिन अदनान ने मुझे कॉल पे इतना कुछ बोला ना, ये बंदा इतना बड़ा लूजर है, इतना बड़ा लूजर है कि ये टीम 07 में भी तीसरे नंबर पे आता है। एस ऑफ स्पेस जो एक छपरियों का शो है उसमें भी हार के आया। इसके इंस्टा पे 11 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद यूट्यूब पे 4,00,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। कभी कभी तो डाउट होता है तू स्पर्म रेस कैसे जीत गया। यू नो अदनान क्या कॉमन है मेरे जोक्स में और अरेबिक लैंग्वेज में, तेरे ऑडियंस को दोनों ही नहीं समझते। एंड NRCS अदनान इनके भाई ने NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था इंडियन से, तो इसलिए अपने को आवाज उठाना पड़ेगा, तुम्हारा देश अभी आजाद नहीं हुआ है। चुप करे मैनेजर। पता है क्यों, इनको लग रहा था NRC नचनिया रिमूव कॉन्स्टिट्यूशन है। My dog stepped on a bee. My dad has to pee. My mom's stuck in a tree. Kitna ganda muh banai chhi. बोल रहा है। बहुत हैवी कॉमेडी हो गया भाई। मेरे को लगता है ना इंस्टाग्राम को ना अदनान के वीडियोस से लाइक बटन हटा के एक यूनिक बटन डालना चाहिए, फ्लश का बटन। वो वीडियो का है, मैं पैसा देता हूँ कोडिंग करो। So, Instagram पे नया फिल्टर आया है, योर फेड, ये बताएगा हमारा फ्यूचर। ये फिल्टर बताएगा मेरा फ्यूचर। सेम वीडियोस ना? हाँ। चिल्ड्रन ट्रिपलेट्स। नहीं नहीं आपके फोन में प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर ही डाल दे। गुड वन।
जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा आप उनको। गांधी जी भी इनका कंटेंट देख के ना रिग्रेट करते, इसके लिए मैंने लाइफ सैक्रिफाइस की। बापू बोला अगर दुश्मन भाई गाल पे मारेगा ना। कौन भी हाथी का शिकार करने वाला रॉकी। पहले लोग सुनसान सड़कों पे जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें क्रिमिनल्स का डर होता था, बट लोगों को उनसे डर होता है तो सुनसान सड़कों पे ऐसी हरकतें करते। तो अदनान ने काफी सारी माँ बहन की गालियां दी मेरे को, बट यू नो जब इसके पापा को कोई बोलता होगा ना कि अदनान एकदम आप जैसा दिखता है तो वो ऑफेंड हो जाते होंगे। तू इतने तू ये इस वीडियो पे ऑफेंड हो गया, पता है तेरी पूरी बॉडी में तेरे दिमाग से भी छोटा क्या है, तेरा मेल ईगो। कुछ लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं लाइट जो, तो अगर आपकी माँ बहन को कोई ऐसे गाली देगा तो कैसे लगेगा, अगर आपकी माँ बहन को कोई ऐसे गाली देगा तो कैसे लगेगा। अच्छा थोड़ी पर्सनालिटी ला यार, लोगों को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, तेरे को नो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे। अदनान की काफी सारी वीडियोस देखी मैंने, इसकी वीडियोस की स्क्रिप्ट से लंबी ना, इसके कमेंट्स में लोग गालियां छोड़ के जाते हैं। अभी लोग बीच में इंस्टाग्राम से बहुत नाराज थे, मैं इसलिए नहीं क्योंकि सोफिया अंसारी का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था, इसलिए क्योंकि इसका रहने दिया था। कोई नहीं छोटे, तू बना क्रिंज कंटेंट बट कभी शर्मिंदा नहीं होना, बिकॉज वो काम तेरा नहीं तेरे पेरेंट्स का है। पता करेंगे ना तुम्हारा टांग फैला के, ऐसा बीच में ऐसे जूते मारूंगा ना मैं कि तुम बाप भी नहीं बन पाओगे तुम इजले लोग के तरह। कभी कभी ना मेरे को उन लोगों से जलन होती है जो तेरे को जानते नहीं, कितने लकी है वो। सही में भाई लड़ाई होती है तो तू जिम की स्टोरीज डाल देता है। वेट उठ नहीं रहा। यस ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है ये लड़ाई का, तुझसे नहीं संभल रही छोड़ दे। जिम में तू बॉडी से ज्यादा तो रील्स बनाता है। और फनी थिंग इज टीम 07 का कोई मेंबर आया नहीं इनके सपोर्ट में, बिकॉज़ सबको एक्सपीरियंस है लाइन ऑफ फायर में आना नॉट गुड। अदनान को मैंने देखा टीम 07 बहुत इंटेलेक्चुअल है, ये बहुत केयर करता है यू नो सोसाइटी की एंड ऑल, लेकिन अगर यही होता तो रात को 2:30 बजे कॉल करके माँ बहन की गालियां मारने की धमकी नहीं दे रहा होता छोटे। ये आज भी 2016 वाला छपरी ही है, मैंने पहले भी बोला है छपरी छपरी होगा ना, कोविड तो अभी आया है, अदनान तो कब से समझदारी का मास्क पहन के घूम रहा है। जरा सा कुछ बोलते तो रो देते ये लोग, इतना रोत लो है कि जेब में क्रेडिट कार्ड नहीं विक्टिम कार्ड लेके घूमता होगा। एनीवेज दोबारा फोन मत करियो वरना ये तो टीजर है, अगर तुझे लग रहा है तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो आज यूट्यूब पे तेरा नाम सर्च कर ले, ये वाला वीडियो मिलेगा तेको। एंड दैट्स अ फैक्ट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डर्मा कंपनी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड एडी भाई आज के बाद कोई ब्रूटल का मीनिंग सर्च करेगा ना तो ये वाला वीडियो आएगा। यार वाज अ कूल वीडियो, वन ऑफ द दैट वाज अ वेरी सैवेज वीडियो टू बी ऑनेस्ट भाई। मूवमेंट थगेश को ना इतना ऐसे मतलब पता लग रहा था कि थगेश इज एंग्री Amazing. I think this is like one of the best by Thagesh. जब याद है हम बात कर रहे थे कि Triggered Insan की वीडियो करें कि Thagesh की करें, उन्होंने कहा Triggered Insan की कर लेते हैं, बट अगर ना कर Triggered Insan की करते तो लोगों ने बता दिया कि हाँ Thagesh की करो, एंड Thagesh की वीडियो थी बढ़िया, worth it, मजेदार, yes, worth it, and ये वीडियो मजेदार एंड मजा आया, हमें मजा आया, we hope आपको हमारे साथ मजा आया होगा, एंड ये छपरी को अलविदा क्या ही बोले छोड़ो कुछ नहीं कहना। बाकी यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।